हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो सही से पढ़ रहे हैं ना आप? सभी सही से पढ़ रहे हैं? सही से नोट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? यार तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो, तुम लोग वीडियो छोड़ देते हो। मैं देखता हूँ, मतलब 10वीं वाले जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लिख लेते हैं सुबह सुबह ही। तुम सब शाम होने का इंतज़ार करते रहते हो, जैसे कि शाम होगी तो लिखेंगे, नहीं कल लिखेंगे। ऐसा नहीं करो यार, छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, 10 मिनट 15 मिनट, बहुत ज़्यादा 20 मिनट, तो फिर लिख लिया करो। हाँ लिखा करो, रोज करो, जहाँ ये सब देखा करो। देखो सब कैसे क्या क्या करवा रहा हूँ मैं, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्यों कर रहा हूँ मेहनत, क्या मिलने वाला है मुझे? कुछ नहीं मिलना यार, समझे? शौक है पढ़ाने का, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, समझे? इन वीडियो को शेयर किया करो यार, बहुत सारे होंगे 12th में जो भी पढ़ नहीं रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाया करो। जो ग्रुप होते हैं तुम्हारे व्हाट्सएप मोबाइल में, व्हाट्सएप में, वहाँ उन हर ग्रुप में शेयर कर दिया करो। और फेसबुक में, फेसबुक है जैसे, फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे शेयर कर दिया करो। 9वीं से 12वीं तक का क्लास ले सकता है, कोई भी पढ़ सकता है हमारे चैनल पे। हाँ चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, चलो। मेरा फ़ोटो देखना चाहोगे कि नहीं देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे? मैं नहीं दिखाऊंगा। अब कहना, बताना, जब मेरी शक्ल देखने का मन हो तो बताना मुझे, तभी दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। चलो तो पहला क्या है क्वेश्चन? हाँ ये जो पिछले साल को पूछे गए हैं, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। बोला था ना मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा भाई कल, और आज क्वेश्चन, इससे आज के बाद क्वेश्चन, इसके बाद इसके इस लेसन में क्वेश्चन अब डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे पेपर टाइम अब सीधा। ठीक है चलो। धात्विक क्षण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है? सोने का परमाणु भार 179 है। तो 2 ग्राम परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? ये क्या है? एने अवोगाद्रो संख्या है, यही तो है एने अवोगाद्रो संख्या। और नीचे कितने कितना द्रव्यमान है, कितने ग्राम है? इतना है। और एक परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है? इतना। तो संख्या, परमाणु की संख्या निकल आएगी भाई। कोई मैटर है, कोई मैटर है, कोई मालिक्यूल, एक मालिक्यूल में इतने इतने आइटम होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या जो होती है अवोगाद्रो संख्या होती है, मतलब एक मोल या एक अणु या में कितने परमाणु होते हैं, तो परमाणु की संख्या यहाँ पे हमें क्या पता, मोल निकालने के लिए जैसे इतने ग्राम है। अब मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं बताओ? मोल जैसे इतने पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, ऐसे ही तो निकालते हैं, वही तो किया है। पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ का अणुभार है, समझे? गुणे अवोगाद्रो संख्या एने हो जाता है। ठीक है, ये मोल आ जाएंगे, मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देते हैं तो नंबर ऑफ आइटम आ जाते हैं ना, परमाणु की संख्या, समझ गए? वही किए हैं यहाँ पे। तो आगे क्या कर दिए हैं, केंद्रीय घनी एकक कोशिका में सेल परमाणु कितने हैं? 4। सेल परमाणु कितने हैं? 4। अब यहाँ पे परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान ये है, परमाणु की संख्या में पता है 4 है, एक एक का केंद्रीय घनी है। अब यहाँ पे बता दिया ना, घन केंद्र है, जालक केंद्र है, केंद्र यानी कि केंद्र में है, यानी कि बी सी सी संरचना है ना, बी सी सी संरचना है। क्या है बेटा बी सी? यहाँ पे केंद्र में है, क्या है संरचना? बी सी सी संरचना। इसलिए द्रव्यमान को काहे से गुणा कर दिए, जो पदार्थ की मात्रा दी दी नहीं, जब परमाणु का भार दिया हुआ है, एक है ना परमाणु भार, ये तो 4 परमाणु है, तो 4 से गुणा कर दिए, समझ में आ गई बात? तो इतना आ गया इकाई सेलों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, ये परमाणु की संख्या है, एक परमाणु कितने सेल है, एक एक यूनिट सेल में कितने परमाणु है? 4 परमाणु है, तो 4 से भाग कर दें तो आ जाएगी ना यूनिट सेल। कल कल जो सवाल देखे अगर वो समझे हो कॉन्सेप्ट, तो ये एकदम ईजी है, समझे भाई? एक केंद्रीय घनी एकक कोशिका में कितने, एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु है ना। अब परमाणु की संख्या हमारे पास इतनी है, ठीक है, हमें इकाई सेलों की संख्या निकालनी है, एक इकाई सेल में 4 परमाणु हैं,
कुल परमाणु इतने हैं, तो इकाई सेल की संख्या भाग कर देंगे 4 से, कुल परमाणु में तो आ नहीं जाएगी, समझ गए ना। चलो अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, याद करो। जब पी और क्यू का सूत्र पूछ रहा था, पी और क्यू से एक घनी ठोस बना है, पी कहाँ पे है, पी जो है क्यू जो है कोनों पर है, क्यू जो है कोनों पर है, और पी क्या है, के अंतः केंद्र परमाणु है, यानी कौन सा संरचना, बी सी सी। ये कोनों पर है तो एक का पार्टिसिपेट कितना, एक कितना भाग लेता है, 1/8। कोनों पर होते कितने हैं, 8, तो कुल कितना हो जाता है, 1, वही तो है, यानी क्यू का मान कितना आ गया, 1। अब पी केंद्र में है, केंद्र में पूरा पूरा होता है, पी का परमाणु कितना है, 1, यानी कि पी परमाणु की संख्या का अनुपात कितना आया, 1:1। सूत्र बनाएंगे तो एक ही तो आएगा, 1:1 आएगा, 1:1 लिखते नहीं तो ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ पे एक नया चीज़ पूछ रहा था क्वेश्चन में, देखो पी और क्यू की उपसा संयोजन संख्या, उसमें उपसा संयोजन संख्या नहीं था, कल हमने डिस्कस किया था ना शायद, उपसा संयोजन संख्या देखो कि क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, NCERT का ही है। अब देखो उपसा संयोजन संख्या कितनी होगी, अब जितने एक परमाणु के परमाणु जितने स्पर्श करते हैं, जितने छूते हैं, वही तो उपसा संयोजन संख्या होगी। यहाँ पे एक परमाणु होगा, यहाँ पे एक परमाणु होगा, यहाँ पे एक परमाणु होगा, यहाँ पे एक परमाणु, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा एक, बीचों बीच में होगा एक, नीचे इधर होगा, है ना, सब एक दूसरे को छुएंगे, यानी कि 8 परमाणु है टोटल कोनों में, एक को बीच, जो बीच में होगा उसे कोनों वाले पूरे छुएंगे, छुएंगे कि नहीं छुएंगे, 8 जो यहाँ पे होगा उसे 8 छुएंगे, हर जगह मतलब 8-8 परमाणु छुएंगे सबको, तो उपसंयोजन संख्या इसलिए कितनी हो जाती है, 8, समझ गए। चलो ये वाला सवाल जैसे देखेंगे, ऋणायन त्रिज्या धनायन त्रिज्या पूछ रहा है, चलो अच्छा देख लेते हैं। कह रहा है एक आयनिक ठोस है, आयनिक जो आयन आयनों से बना वो आयनिक ठोस है, फलक केंद्रित घनी शेल के कोर की लंबाई कितनी है, एक का मान कितना है, 508 PM, 508 PM है, यदि धनायन की त्रिज्या 110 PM हो तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करो। धनायन की त्रिज्या 110 PM है तो ऋणायन की आर माइनस की त्रिज्या बताओ। चलो देख लेते हैं कैसे, कोर की लंबाई दी हुई है पिकोमीटर, 508 पिको, धनायन की त्रिज्या दी हुई है इतना, ऋणायन की त्रिज्या हमें निकालना है, कोर की लंबाई होती क्या है, 2 R1, आर कटाया ऋणायन, दोहित कोर की लंबाई में कितने परमाणु होते, दो ही तो होते हैं, एक धनायन होगा तो एक ऋणायन होगा, धनायन के धनायन त्रिज्या और ऋणायन की ऋणायन त्रिज्या, ऋण त्रिज्या, समझ गए, ये 2 ही R तो बना, धन ऋण मिला के ये सूत्र बन गया, उससे समझ आ गई बात, आ गई ना समझ में। अब यहाँ पे कोर की लंबाई दी हुई है इतनी, अब इतनी दी हुई तो इतना रख दिए, 2 इधर भेज दिए, भाग में आ गया, पर इतने के प्लस माइनस का मान आ गया इतना, 2 से कट गया ये, ठीक है, आर प्लस का मान दिया है इतना तो आर माइनस नहीं निकल आएगा, देख लो इतना इजी सवाल है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यार किया तो मैंने, कौन सा लगवाया है ये, इसमें नीचे और पढ़ लेते हैं इसको। चलो 2019 में पूछा गया है, सोडियम धातु को घनाकार ज्वालक के रूप में किससे लिखित होता है, एकक को, एकक सेल का कोर इतने 430 PM है, मतलब पिकोमीटर, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, सोडियम का घनत्व कितना है, इतना है, परमाणु भार इतना है सोडियम का, अवोगाद्रो संख्या का मान ये है, चलो सब दे दिया इसने, है ना, एकक सेल का घनत्व निकालना है, ये फार्मूला होता हम पढ़ता है, मैं कल से चिल्ला रहे हैं ये चीज़, है ठीक है। अब जेड का मान कौन सा है, अब NaCl के लिए हम बताए थे, Na सोडियम धातु का है, अच्छा NaCl का नहीं है, चलो सॉरी सॉरी सॉरी, चलो आगे देखते हैं। अच्छा क्या हो जाता है भाई, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी जूम हो जाओ। चलो चलो ये दिया था सवाल देखेंगे तो, ये दिया था घनत्व का मान दिया था, परमाणु भार दिया था, कोर की लंबाई दी हुई थी, इसे सेंटीमीटर में बदल लिए, अवोगाद्रो संख्या का मान दिया हुआ था, ठीक है, ये सब के मान फार्मूले में रख दिए, जेड का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, जेड ये सब जेड को इधर रहने दो, बाकी भाग वाले गुणा में चले जाएंगे, गुणा गुणा में चले जाएंगे ना,
और ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। हल करेंगे दो आ गया, जो किसका होता है परमाणु संख्या दो आ गई तो किसका होता है, दो बताओ, दो किसका होता है, बी सी सी का होता है बेटा, बी सी सी का होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बी सी सी यानी बी सी सी है ये, प्रकृति किसकी, इसकी बी सी सी। चलो ये वाला हमने, ये वाला कल लगवा लिया था ना बेटा, याद करो कल लगवाया था लास्ट टाइम, कल ही लगवाया, इसको छोड़ो। ये वाला देखें तो चांदी के परमाणु तापमान ज्ञात कीजिए, लगवाया था आई थिंक। एम का मान निकालना है, सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा होगा ना। एफ सी सी जालक है, इसकी कोष्ठ कोर की लंबाई इतनी है, एफ सी सी जेड का मान इतना हो जाए, कोर की लंबाई इतनी हो जाए, सेंटीमीटर में बदल लिए, घनत्व इतना दिया है, सबका मान रख दिए, एम का मान निकालना, हर कर लेंगे इतना आ जाएगा। चलो छोड़ो इसको, ये कहाँ पे रह गए, अच्छा ये यहाँ पे नीचे। चलो ये भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, फीका दिख रहा होगा ना, चलो कोई ना देख लो। एक तत्व बी सी सी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, कोर की लंबाई 288 पीएम है, इसके घनत्व इतना इतना है पर है तो 200 ग्राम परमाणु की संख्या क्या। अभी कल डिस्कस कर लिया था यार इसको, देखो 2019 में पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कल हमने डिस्कस किया था ना। चलो ये सब हो गया था, ये सवाल हमने कल लगा लिया था ना बेटा, ये सवाल पिछला वीडियो देखो कल वाला, ये सवाल लगाया हमने। चलो छोड़ो, कल वाला वीडियो देखो मिल जाएगा, ना मिला करे तो लिख दिया ना कहो ना, केमिस्ट्री बाय ज्ञानेंद्र सर सॉलिड स्टेट लेक्चर टू, लेक्चर नंबर कौन सा आज, लेक्चर नंबर ये कौन सा है, लेक्चर नंबर आज ये 10वां है, कल 9वें, लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट बाय ज्ञानेंद्र यादव, इतना डाल दो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मारो, वीडियो मिल जाएगा। चलो जब किसी घनी जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनी संरचना की संकुलन क्षमता ज्ञात की। अरे संकुलन क्षमता तो हम सब की निकाल चुके हैं, अब क्या कर रहा है, घनी जो घनी जालक है केंद्र में स्थित है और विकर्ण पर उपस्थित है ना, केंद्र पर स्थित है विकर्ण पर उपस्थित है ना, तो केंद्र में है तो बी सी सी है, यानी कि बी सी सी की संकुलन क्षमता पूछ रहा है, निकाले नहीं हैं, बताओ पूछा गया है, देख लो दो हज़ार पहले भी पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, संकुलन क्षमता निकाले नहीं हैं हम, ये आर वार के मान हम पहले देख लिए, तो आर वार के मान निकालने की जरूरत नहीं। संकुलन क्षमता कितनी आई थी बी सी सी की, हमारे में आई थी इतनी 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 ही तो आई थी शायद, इतनी ही आई थी, और बाकी क्या था, एवाइड था, एवाइड मतलब हाँ ये देखो 6.790 आई थी हमारे में, ये 68 लिख दिए उसे कुल मिला के हल करने पर, है ना, सब वही है, बाकी कितना हो जाता है 68 ये है, तो बाकी जो होता है वो रिक्त स्थान हो जाता है, खाली स्थान। ये देखो यहाँ फिगर बना है कोर पे, देखो कोर पे परमाणु है, ये डाल दिए कमरे जैसे, उस कोर से इस कोने पे डाल दिए, सामने वाले जैसे कमरे में बैठो तो एक कोना लो, उसके सामने वाला एक कोना लो, ऐसे ये विकर्ण हो जाता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब का होती है, ये होता है। चलो ये हो जाता है ना बी सी सी के लिए है, आ गया, चलो ये भी हमने कराया है। चलो अरे ज़्यादातर हम कुछ छोड़ नहीं रहे बेटा, सब करवा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, बोर्ड में फुल काम होगा, इतना पढ़ना, कोई कोचिंग कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार, कुछ करने की ज़रूरत नहीं किसी को, ये वीडियो दिखाओ बस अच्छे से पढ़े, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूट्यूब पे लोग पेड कोर्स चलाते हैं, पैसे लेते हैं तो पढ़ाते अपने बैच में रखते हैं, यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो बना बना के लोगों को रिझाते हैं और आराम से अपना पेड कोर्स चलाते हैं, समझे बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमारे चैनल पढ़ सकते हैं, हमारा पैसा नहीं पड़ने का मतलब, यहाँ पे पैसा नहीं पड़ता है, ठीक है, सब फ्री मिलता है। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनी संरचना में होता है, यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसके परमाणु द्रव्यमान 93 क्या AMU होता है, इसे शॉर्टकट में यू भी लिख देते हैं ना। चलो का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए, NCERT का है, ठीक है, अंतः केंद्रित घनी है BCC बोल दिया, अंतः केंद्रित है मतलब BCC है, BCC है तो जेड का मान 2 आ गया, ठीक, और M का मान दिया है, रो का मान दिया है, रो या डी जो भी बोलो, घनत्व होता है ना, परमाणु द्रव्यमान M का मान दिया है, सब का मान दिया है, क्या
त्रिज्या की, पहले कोण की लंबाई निकालो, कोण की लंबाई को आधा कर देंगे त्रिज्या की लंबाई आ जाएगी, है ना। ये फार्मूला है, ए का मान निकाल, ए को इधर ही रहने दो, ए को उधर भेज दो, रो को इधर एक ही जगह भेज दो, वही हो गया। समझे बेटा, मान रख दिए सबके। ये देखो भुजा की लंबाई ये आ गई, भुजा की लंबाई ये आ गई। तो बस बी सी सी के लिए विकर्ण बराबर क्या होता है, 4 गुणे नाभिमंडल परिमाण की त्रिज्या, जो भी परिमाण होगा उस 4R, विकर्ण बराबर 4R अंडर रूट 3a 4R, ये होता है। तो R बराबर क्या हो जाता है, रूट 3a, और क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सॉरी बेटा एक यहाँ पे क्या a आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा। चलो तो बस a का मान रखेंगे, हल कर लेंगे जो आएगा। a का मान रख दिए, हल कर लिए, इतना आ गया इतने सेंटीमीटर, इसे पी को मीटर में बदल दिए, ठीक है। इसे काहे बदल दिया, पी को मीटर में बदल दिए, 10^-10 से गुणा करके नैनो, या इतने कह दिए नैनोमीटर कह दिए इसको, ठीक है। चलो छोड़ो, पी को मीटर से नैनोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिए, ठीक है, 1000 से। चलो ये भी हो गया, अगला देख लेते हैं। समझ लेना, वीडियो रोक के देख लेना, फिर दोबारा देख लेना और समझ में। अब फिर क्या है रहा है कुछ, ये देखो घन के कोरों पर उपसर्ग परमाणु एक दूसरे का करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो घन जालक की संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता हमने सब की, बी सी सी, भाई देखो एस सी सी, बी सी सी, एफ सी सी, ये तीनों की संकुलन क्षमता हमने बता चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं। और चाहे एफ सी सी हो, एफ सी सी सबसे बेस्ट होता है, 26% इसका भरा हुआ स्थान, 26% वाइड होता है, खाली स्थान होता है, और सबसे बढ़िया पैकिंग इसी में होती है, समझे, पैकिंग इफिशियंसी तो है संकुलन क्षमता। हाँ पी ई से दर्शाते थे, अब सी सी भी लिखा रहता है बुक में, जैसे हमारी नोट्स में लिखा था, क्लोज कैपेसिटी बोलते हैं इसको, क्लोज कैपेसिटी, अब पैकिंग चाहे कह लें, बात एक ही है। अच्छा बेटा चलो ये भी हो गया, आगे नहीं है बेटा कुछ, चलिए ठीक है। तो हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं, सबको जोड़ें, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, ठीक है बेटा। तो फिर बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जाते जाते हम अपनी शक्ल दिखाई देते हैं, चलो देख लिया, चलो ठीक है, फिर बाय बाय, ठीक है बेटा, चलो ठीक है।